आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज़। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए एक और जहां तमाम राजनीतिक पार्टियां सियासी दांवपेच का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई। दरअसल खबर ये सामने आ रही है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा सीटें लाने की कोशिश कर रही थी और ऐसे में जयंत चौधरी के साथ उन्होंने गठबंधन का मन बनाया, लेकिन आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने बीजेपी से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया। और अब ये देखा गया कि अभी हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयंत चौधरी से जब सवाल पूछा जाता है कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी आदमी तो ठीक है लेकिन निर्णय उन्होंने गलत लिया, तो उस पर क्या प्रतिक्रिया आनी चाहिए जयंत चौधरी की, तो जयंत चौधरी ने कहा कि भाजपा वाले मेरे रिश्तेदार थोड़ी है जो बिना किसी जो है स्थिति के मैं उनके साथ चला जाऊं। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग केवल और केवल चुनाव जीतने के लिए काम करते हैं, उनका मकसद केवल सत्ता पाना होता है, उन्हें किसानों से मतलब नहीं है, उन्हें जनता से मतलब नहीं है, उन्हें युवाओं से मतलब नहीं है। और उन्होंने जयंत चौधरी ने कहा कि मैं आदमी अच्छा हूं, मेरी पार्टी भी अच्छी है और हम हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहे, आगे भी सच के साथ खड़े रहेंगे। तो ये देखा जा रहा है कि जयंत चौधरी ने जब से बीजेपी से गठबंधन करने के लिए मना कर दिया तब से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी कुछ खास कमाल कर पाएगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए जा दीजिए, नमस्कार।